पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, आई वंडर हाउ मैनी हैव नोटेड द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स GDP इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया, क्या हो गया? आदरणीय अध्यक्ष जी, 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 साथियों ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। देर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर, आगे वो कह रहे हैं, देर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं, there is a well argued view that in the next 3 decades India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China। उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे, बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की